वारंटी लिखा हुआ, उससे पहले एक साल में ही खराब हो गया था। ये फैन भी खराब हो गया था, सीलिंग फैन जो बोल रहे कि ये पंप खराब है, तो इसको भी बना रहा है वो यहाँ पे आके। इसने अपना सामान यहीं पे छोड़ के गए। वो सुन रहा है, वो तर्मी जो रो रहा है पीछे बैकग्राउंड में क्योंकि वो इलेक्ट्रिशियन जो भैया आया था उसको बनाने ही नहीं दे, डिस्टर्ब करे, जंप करे उसके ऊपर। वो डर गया, उसने बोला कि मैडम इसको बांध दो। अभी वो भैया नीचे से सामान लेने गया है, उसका दुकान सामने ही ये सब छोड़ के ऐसा खुला छोड़ के चला गया। तर्मी इतना डिस्टर्ब कर रहा है, काम ही नहीं करने दे रहा है इलेक्ट्रिशियन भैया को, तो यहाँ पे मैंने इसको ऐसे में कर दिया। मज़ा आया तुमको? हाँ, ये कूलर मैंने लिया था, ये देखो क्रोमा का, मुझे एकदम, ये मेरा सेकंड टाइम है। मैंने एक बार ड्राई क्लीनर भी लिया था, वो एकदम बेकार था। ये भी मैंने लिया था, ऐसे टॉल वाला नहीं होता है, 12,000 ऐसा कुछ था, याद नहीं है क्योंकि 2 साल ऐसे पहले लिया था। तो इसमें तो देखा, वो 2 साल का वारंटी लिखा हुआ, उससे पहले 1 साल में ही ख़राब हो गया था। फिर मैं इतना लेजी हूँ क्योंकि उस समय मेरे पास एक और कूलर था जो मैंने कबाड़ी वाला भैया को ऐसे दे दिया फ्री में, तो वो कूलर मेरे उस समय था, तो मैंने इसको ऐसे रख दिया था। अब वो भी नहीं है कूलर, ये भी ख़राब हो गया, तो उसने आधा काम छोड़ के चला गया। बोल रहे कि अभी आऊँगा पंप लाने। फैन ही खराब हो गया, तो 550 लगेगा ना इसका ना, और कूलर का कितना लगेगा ये वाला? कूलर का हो गया, ठीक है। बहुत डिस्टर्ब कर देता, देखो देखो ये क्या है, क्या है ये बताओ, बताओ क्या है, क्या है? बांधू इसमें, इसमें बांधू, रबर बांधू यहाँ पे। कूलर जो बन गया पानी में, तो फाइनली जो कूलर अच्छी तरह चलने लग गया, थैंक्स टू भैया। मेरे सारे फैन वैन थोड़ा खराब होकर देखा, ऊपर का फैन भी, सीलिंग फैन भी बनवाया, मतलब कल वो लेके गया, मतलब वो ठीक कर देगा। एंड नाउ तर्मी इज ऑल्सो इन्जॉइंग। ये फैन भी खराब हो गया था, सीलिंग फैन जो, बारिश में ना ऊपर से पता नहीं कैसे पानी घिस गया, पुराना मकान है ना काफ़ी, ये भी खराब हो गया। इसका मोटर ले गया, वो बनाएगा, बहुत सारा मेंटेनेंस रिपेयर करना है उसको, ऐसे वो इसको ऐसे निकाल के रख के चलाएगा। ओए लड़का, कॉफ़ी बना जा मेरे लिए, हाँ कभी तो तुम हेल्प नहीं करता दीदी को। ओए लड़का जाओ कॉफ़ी बना, कॉफ़ी बना, कॉफ़ी बना। तो ब्लैक कॉफ़ी पीती हूँ। आज शाम को 7:30 को मेरा क्लास शुरू होगा फोटोशॉप का, अभी से नींद आ रही हूँ, प्रैक्टिस भी नहीं हो रहा यार, कुछ ना कुछ काम आ जाता है। 2 दिन का छुट्टी होता है ना, तो 2 दिन का छुट्टी में इतना सारा काम है कि फोकस ही नहीं कर पा रही। और नेक्स्ट वीक से आई विल ट्राई कि मैं अकेली बाहर निकल जाऊँ, स्ट्रीट फोटोग्राफी करूँ, क्योंकि इससे मेरा प्रैक्टिस भी हो जाएगा। ठीक है, तुम चलेगा मेरे साथ, तुम्हें चलेगा मेरे साथ, हाँ असिस्ट करेगा मुझे, असिस्ट करेगा, नहीं ऐसे ऐसे घर में पड़ा रहेगा, हाँ हाँ ऐसे पड़ा रहेगा, हेल्प नहीं करेगा, कैमरामैन बनेगा, हाँ बढ़िया मैं ऑफिस में भी ले जाती इसका। लेकिन ना ओनली प्रॉब्लम क्या है, ओनली प्रॉब्लम है कि इसका दोनों ही बहुत मुश्किल,
क्योंकि इसका मुंह छोटा है ना, हाथ तो घुसेगा नहीं है, और जो ब्रश अलग होता है उसको डालने, फिर भी ब्रश से आप कितना धो सके, हाथ अंदर जब तक रीच नहीं करेगा ना तो मुश्किल होता है, ब्रश ढंग से नहीं धोते, इसलिए अंदर में ना कॉफ़ी का कलर वगैरह लगा हुआ है इसमें। अदरवाइज आई लव दिस मग, एवरीथिंग अबाउट दिस मग इज सो गुड। इसमें चाय कॉफ़ी मतलब 2 घंटे 3 घंटे तक ऐसे गर्म रहता है, मेरे पास 2 पड़ा हुआ है ऐसे। मैंने एक बार ख़रीदा पूरा अंदर से ब्राउन हो गया, फिर मैंने सोचा कि दूसरे वालों को अच्छी तरह केयर करूँगी, ब्रश व्रश से अच्छी तरह करूँगी, वो ख़रीदा उसका भी ऐसा ही हाल है।